टू द चैप्टर लर्निंग. आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे लर्निंग. ओके, लर्निंग मीन्स अधिगम. लर्निंग मीन्स क्या होता है? अधिगम. आप कोई भी एग्जाम दें जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें चैप्टर कन्फर्म आना है लर्निंग. क्योंकि आपको पता है जो भी है हम सीखते हैं सिखाते हैं, तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर डीएसएसबी साइकोलॉजी एसटेट सीटेट केवीएस एनवीएस एक्सेट्रा. लर्निंग होता क्या है बेसिकली? देखो, लर्निंग होता है कुछ भी सीखना, कुछ भी सिखाना. आप किसी भी चीज़ से कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो, तो ये चीज़ क्या होती है भाई? लर्निंग. जैसे सपोज आप कहीं मार्केट में भी जा रहे हो, आपको कोई इंसान बहुत अच्छा कुछ एक्ट करता दिख रहा है, आपने उसके एक्ट को कॉपी करा, वो भी क्या है? लर्निंग. क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको सीख रहे हो, वो भी क्या है? लर्निंग. अब एग्जाम प्योर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें लर्निंग के चक्कर में, तो बेसिकली इसमें थ्योरीज है. आपने सुना होगा थोनडाइक की थ्योरी, कोहलर की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी. बेसिकली इस चैप्टर में क्या है? थ्योरीज है. तो देखो, थ्योरीज पे जाने से पहले इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो कन्फर्म डीएसएसबी में आता है 110%. ये क्वेश्चन डीएसएसबी सीटेट एंड एसटेट हर जगह आता है. इससे पहले हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स अधिगम के स्थानांतरण. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण. सबसे पहले ये बताइए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है, अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है. देखो, स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर. देखो, ट्रांसफर किस चीज़ का होता है? जो चीज़ आप लोगों के पास है उसी का तो ट्रांसफर होगा ना. आपने पहले जो कुछ भी सीख रखा है उसको आप आगे कैसे कैसे यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. यहाँ अधिगम की बात है. इट मीन्स आपने पहले क्या सीखा है उसको आप आगे कैसे यूज कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स अधिगम का स्थानांतरण क्या हुआ? सीखे गए ज्ञान को आगे प्रयोग करना, इट्स कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. अब जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो थ्री टाइप्स से होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर. इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो ट्रांसफर. अब देखो इन तीनों को समझना. द वेरी फर्स्ट, पॉजिटिव ट्रांसफर. पॉजिटिव होता क्या है? कहीं भी आपको साइकोलॉजी में रेटिफिकेशन नहीं लगाना, जस्ट गो विद माय वीडियोस एंड यू लर्न फॉर द साइकोलॉजी. सबसे पहले है पॉजिटिव ट्रांसफर. देखो, पॉजिटिव क्या होता है? किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मीन्स सकारात्मक. इट मीन्स आपने जो पहले सीख रखा आपकी लाइफ में, यहाँ आपने जो भी सीखा हुआ है उसको आप आगे कैसे कैसे यूज कर रहे हैं. यदि आप उसको पॉजिटिव यूज कर रहे हैं मीन्स यदि पुराना सीखा हुआ ज्ञान आगे आपकी हेल्प करता है, तो अधिगम का कैसा ट्रांसफर कहलाता है? पॉजिटिव. जैसे मैं एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चे को संस्कृत बहुत अच्छी आती है. संस्कृत वाले बच्चे को यदि आप हिंदी सिखाते हो तो उसकी लर्निंग का कैसा ट्रांसफर होगा? पॉजिटिव. क्योंकि बच्चे को संस्कृत आती है, आप उसको हिंदी सिखा रहे हो, तो संस्कृत और हिंदी कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, तो उसकी लर्निंग का कैसा ट्रांसफर है? पॉजिटिव ट्रांसफर. इट मीन्स क्या बना भाई पॉजिटिव ट्रांसफर? जब आपका पुराना ज्ञान, जब आपका ओल्ड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज आगे ज्ञान में हेल्पफुल होती है, तो ये कैसा ट्रांसफर कहलाता है? पॉजिटिव ट्रांसफर. क्लियर है? नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर. नेगेटिव का मतलब वैसे तो नहीं होता है, बट यहाँ नहीं होता भाई, ध्यान रखना. नेगेटिव मीन्स नहीं, बट यहाँ नहीं यहाँ क्या होता है? डिफिकल्टी क्रिएट करता है मीन्स बाधा उत्पन्न करती है. जब आपका पुराना कोई भी ज्ञान है आगे आप कुछ भी सीख रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये लर्निंग का कैसा ट्रांसफर कहलाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर. जैसे कि आजकल यू नो इंग्लिश मीडियम का बहुत क्रेज है, तो इंग्लिश सीखे हुए बच्चे को जब आप हिंदी सिखाने लगते हो तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो ये अधिगम का कैसा ट्रांसफर कहलाता है? नेगेटिव ट्रांसफर. एंड द लास्ट, जीरो ट्रांसफर. अब जीरो मीन्स क्या होता है भाई? जीरो मीन्स जीरो, शून्य, खाली, ब्लैंक. इट मीन्स ना ही आपका नेगेटिव इफेक्ट डाला ना ही पॉजिटिव इफेक्ट डाला, तो ये चीज़ क्या कहलाता है? जीरो ट्रांसफर. जैसे कि एक बच्चे को बैटिंग आती है बहुत अच्छी, आप उसको बॉलिंग सिखाने लग जाते हो, तो उसकी बैटिंग ना तो उसकी बॉलिंग पे इफेक्ट डालेगी नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव. तो एक बैटिंग सीखने वाले बच्चे का बॉलिंग सीखना कैसा ट्रांसफर है लर्निंग का? नेगेटिव ट्रांसफर. क्लियर? हेल्प करे इज द पॉजिटिव ट्रांसफर, डिफिकल्टी क्रिएट करे इज द नेगेटिव ट्रांसफर, कोई इफेक्ट नहीं आता इज द जीरो ट्रांसफर. अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इन्हीं चार ऑप्शंस पे बेस्ड है, आंसर देना कमेंट बॉक्स में लिख के.
पुराना सीखा हुआ ज्ञान क्वेश्चन डीएसएसबी एंड सीटेट टू टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में. क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना. जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान आगे ज्ञान में ट्रांसफर होता है तो यह अधिगम का क्या कहलाता है. मीन्स जब पुराना आपने कुछ भी सीख रखा है उसको हम आगे प्रयोग करते हैं तो यह अधिगम का क्या कहलाता है. ऑप्शन वन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन टू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. अपना आंसर इसको क्रिएट करना, ठीक है, सोचना एंड देन लेट मी टेल. अब देखो आगे जो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, मीन्स जो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है लर्निंग का, वो आगे थ्री टाइप से होता है. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बायलेटरल. मीन्स क्षैतिज, ऊर्ध्व एंड द्विपार्श्विक. ध्यान से समझना, यदि डीएसएसबी में क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म क्वेश्चन इसी सेक्शन से ही आएगा. सीटेट एसएसबी में पहले वाले सेक्शन से आ जाता है, बट डीएसएसबी में क्वेश्चन यहीं से आएगा. पॉजिटिव ट्रांसफर इट मींस आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि पुराना ज्ञान आगे आपको हेल्प कर रहा है, बट ये कैसे कर रहा है. द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या बायलेटरल है. अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है, देखो आपको पता है मैथ्स में सीधी रेखा ये वाली होती है, होती है ये वाली सीधी रेखा, और वर्टिकल ये वाली लाइन होती है. इट मीन्स जब आपका सेम लेवल पे ज्ञान आगे बढ़ता है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ये दोनों करोगे आपको क्लियर हो जाएगा. सेम लेवल का ज्ञान आगे बढ़ता है, इट मीन्स पहले जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे ने एक हंसी लगा के सवाल करा, फिर दो हंसी लगा के सवाल किया, फिर तीन हंसी लगा के सवाल किया, तो बच्चा कैरी तो लगा रहा है, हंसी तो लगा रहा है, लेकिन पैटर्न तो सेम फॉलो कर रहा है ना. मीन्स जब सेम लेवल पे आपका ज्ञान आगे की तरफ बढ़ता है तो ये अधिगम का कैसा ट्रांसफर कहलाता है, हॉरिजॉन्टल. ये देखिए डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चे को यहाँ साइकिल चलानी आती है, ठीक है भाई. एक बच्चे ने यहाँ क्या चलाई, साइकिल चलाई. साइकिल चलाने के बाद लोग क्या कहते हैं, यार साइकिल तो बहुत चला ली तूने, अब एक्टिवा सीख ले, ठीक है. तो बच्चे ने क्या सीखी, एक्टिवा सीखी. अब लोगों को चैन कहा भाई, एक्टिवा सीखा के क्या कहेंगे, तुम कार सीख लो. मीन्स साइकिल से एक्टिवा सीखी, एक्टिवा से कार, अब ट्रक चला के करना क्या है, आपको बात तो समझ आ गई होगी ना. मीन्स लर्निंग का ट्रांसफर तो यहाँ भी हो रहा है और लर्निंग का ट्रांसफर यहाँ भी हो रहा है, बट जब सेम लेवल पे आपका ट्रांसफर होता है, सेम चीज़ों में आगे ट्रांसफर होता है तो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर. बट जब डिफरेंट लेवल की चीज़ों में, कहते ना लेवल तो अब यहाँ भी है, लेवल अब यहाँ भी है, यहाँ सेम चीज़ें हैं, यहाँ आपकी चीज़ें डिफरेंट हैं. जब डिफरेंट चीज़ों में आपका ज्ञान आगे की तरफ ट्रांसफर होता है तो यह कैसा ट्रांसफर कहलाता है लर्निंग का, इट्स द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ये लर्निंग का कैसा ट्रांसफर कहलाता है, ऊर्ध्व ट्रांसफर. KVS और CDP में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इज राइट, आंसर देना. एक बच्चे ने पहले जमा के सवाल किए, फिर घटा के सवाल किए, और लास्ट में वो परसेंटेज के सवाल करने लगा, तो ये उसकी लर्निंग का कैसा ट्रांसफर था. अब देखिए पहले जमा किए फिर घटा किए, मीन्स सेम लेवल पे है, लेकिन देखो बाद में वो परसेंटेज के सवाल कर रहा है, इट मीन्स उसका लेवल चेंज होके हाईएस्ट लेवल पे आ गया. ये मत सोचना एक ही सब्जेक्ट का कर रहा है, मीन्स जमा और परसेंटेज क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट थिंग्स में जब ट्रांसफर होता है तो इट्स कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफर. ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्टेटमेंट आपको गिवन होगी कि ये लर्निंग का कैसा ट्रांसफर कहलाता है, ये लर्निंग का कैसा ट्रांसफर कहलाता है, तो इट्स वर्टिकल. एंड द लास्ट इज बाइलिटरल ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं द्विपार्श्विक अधिगम. इसके अंदर क्या होता है, स्पेशली बॉडी के पार्ट्स एंड सब पार्ट्स. बेसिक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, जब आप शरीर के अंग और उपअंग मीन्स बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स को यूज करते हैं तो कैसा ट्रांसफर कहलाता है, बाइलिटरल. जैसे कि मैं एक सिंपल बोलूँ, आपको राइट हैंड से बहुत अच्छा लिखना आता है, अनफॉर्चुनेटली हाथ को चोट लगी तो हम क्या करते हैं भाई, हम लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाते हैं. तो इट मीन्स हमने लेफ्ट हैंड से कब लिखा, जब हमें राइट हैंड से लिखना आता था. तो ये लर्निंग का कैसा ट्रांसफर है, द्विपार्श्विक. यूपी टीचर में अभी अभी क्वेश्चन आया था,
कि एक बच्चा एक हाथ से काम करता है फिर दूसरे हाथ से काम करता है, तो ये अधिगम का कैसा ट्रांसफर है? ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, तो ये कैसा ट्रांसफर हुआ? बाय लिटरल ट्रांसफर। आगे हम करेंगे लर्निंग की थ्योरीज, बट मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट एंड शेयर। इफ यू वॉन्ट आई कम्प्लीट ऑल द सिलेबस देन लाइक शेयर एंड गिव मी द कमेंट्स। यदि आप चाहेंगे तो मैं कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी देन मुझे बताना, देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैप्टर अबाउट द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।